सबसे पहले तो आपको हमारी पूरी टीम की ओर से, ब्लॉक की ओर से आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे इस ब्लॉक के 8-10 स्कूल को अडॉप्ट किया है, और ये भी स्वच्छता के लिए, स्वच्छता क्रांति के रूप में आप इसको ले रहे हैं, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। शिक्षा क्रांति और स्वच्छता ग्रह के जो लोग हैं वो हमारे पास आते हैं और बच्चों को जो है स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं, रैली भी निकालते हैं हमारे साथ और हमारे स्कूल परिसर की साफ सफाई भी करते हैं। कल में लगती है सर, इसकी जितना लगाएंगे ना ऐसे नहीं, जैसे दीवार के साथ लगाओ हो जाएगा हमारा, और दीवार भी बन जाएगा इनका आगे लगाने में। हाँ, बाउंड्री बाउंड्री के साथ ना प्रूफ कर। तो हमारे बीच में आज स्वच्छता जो ग्रह है उनके जो है अध्यक्ष जो है श्री सत्यम जी आए हुए हैं। मैं माँ सरस्वती के इस प्रांगण में इनका आप सभी बच्चों की ओर से, अपने स्टाफ के सभी सदस्यों की ओर से इनका स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास का वातावरण, अगर हमारा आसपास साफ नहीं होगा तो क्या हम ठीक रहेंगे? तो इसलिए हमें अपने आसपास की सफाई रखना बहुत जरूरी है। और अब जो है आपके साथ कुछ एक बात करेंगे और मैं इनका इस पाठशाला के प्रांगण में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आदरणीय बीपीओ सर, राजकीय प्राथमिक पाठशाला पुंजविला की मुख्य भागीरथी मैम, यहाँ पढ़ा रहे सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, मेरे साथ आए शिक्षा क्रांति वॉलेंटियर भावेश विष्ट जी और आप सभी नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के छोटे से स्वच्छता कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा है कि हम बार बार आपके स्कूल आते हैं, आप में से कितने भूल गए कि हम पिछली बार आपके स्कूल आए थे? कितनों को याद है? आपको याद है? शाबाश, हाथ खड़े करो जिनको याद है। काफियों को याद है। तो हम क्यों आपके स्कूल आते हैं? क्यों आते हैं? स्वच्छता ग्रह के लिए आते हैं, साफ सफाई करने आते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो साफ सुथरा होना चाहिए। वो क्यों साफ सुथरा होना चाहिए? क्यों होना चाहिए बोलो? मेरा नाम भावेश है और अगर हमारा वातावरण, आसपास का वातावरण सही नहीं होएगा तो हम जिंदा नहीं बच सकते, बीमारियां लगेंगी और जानवर मरने लगेंगे, इंसान भी मरने लगेंगे जानवर भी। भावेश के लिए जोरदार तालियां, शाबाश, वेरी गुड। भावेश ने कितना अच्छा कहा कि अगर हमारा पर्यावरण साफ सुथरा नहीं रहा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। क्यों नहीं जिंदा रहेंगे? बीमारियां लग जाएगी। आप भी बोलना चाहते, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है। नहीं होंगे ना तो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमारे को। अरे क्या बात, अपना नाम बताओ। अभिरन।
क्या नाम है? अभिरन। अभिरन आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटा? फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास में अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? ना तो हम जिंदा रहेंगे, जानवर भी जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी हमारे पास। क्या बात है, इनको तो और भी शाबाश, क्लैपिंग फॉर हिम, जोर से जोर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भागीरथी मैम, तो सचमुच बधाई के पात्र हैं। बच्चे इतने जागरूक हैं, खुद ही हाथ उठा रहे कि हमने भी कुछ बोलना, हमने भी बोलना। प्यारे बच्चों, जैसे आप जागरूक हैं ना, आपको लगता है कि हमारा समाज भी ऐसे जागरूक होना चाहिए? यस सर, नो सर? होना चाहिए। तो आप ये बताओ कि गलती से आपने कभी कचरा फेंका हो? गलती से गलती हो जाती कि नहीं हो जाती? हाथ खड़े करो गलती से, जिनसे गलती है वो देखो। गलती सच बोलना है, सच झूठ नहीं बोलना है। हाँ शाबाश, चलो जिसने गलती से खुले में कचरा फेंका वो हाथ खड़े करो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब नीचे हाथ नीचे करो, अब जोरदार तालियां बजाओ क्योंकि आपने सच बोला। ठीक है, अपने लिए जोरदार तालियां इसलिए बजाई आपने कि आपने कचरा फेंका, तब नहीं बजाई। क्यों बजाई? क्योंकि आपने सच बोला है। अब आपने शपथ लेनी है कि गलती से भी गलती नहीं करोगे। लेनी है शपथ कि नहीं लेनी है? थोड़े से यस सर बोल रहे। अब आपने शपथ लेनी है कि गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। देखो ये यहाँ पे इस तरह से कुछ भी नहीं होना चाहिए जब हम दूसरी बार है, नहीं होना चाहिए ना? अब हाथ खड़े करो कि कौन कौन शपथ लेते हैं कि हम गलती से भी गलती नहीं करेंगे, खुले में कचरा नहीं फेंकेंगे। अरे शाबाश, जो नहीं फेंकेंगे हाथ खड़े करो। नन्हे मुन्ने बच्चे, पक्का प्रॉमिस है कि कच्चा प्रॉमिस है? पक्का वादा है ना? देख लो बेटा, हमारे वॉलेंटियर्स कई टोपी लगा के सफाई करते हैं, कई देखते रहते हैं बच्चों को कि कौन कौन है। पक्का वादा कर लो, पक्का वादा है ना? तो यह बस पक्का वादा करना है कि आज के बाद में, बोलो आज के बाद में, खुले में कचरा नहीं फेंकूंगा। शाबाश। और कोई अगर दूसरे करते हुए, मान लीजिए अगर आपके मित्र करते हैं, आपको फ्रेंड करता है, तो क्या करना है? लड़ाई करनी है कि रिक्वेस्ट करनी है? अरे वाह, जोर से बोलो, लड़ाई करनी है कि क्या करना है? क्या करना है उसको क्या बोलते हैं? देखो मेरी टोपी पे देखो क्या लिखा है। शाबाश, क्या करना है? आग्रह करना है कि आप भी खुले में कचरा ना फेंके। शाबाश। आप अपने मित्रों, हाँ, किस किस को जागरूक करेंगे? सगे संबंधियों और मित्रों को भी प्रेरित करेंगे। अगर हमारी पीढ़ी और आपकी पीढ़ी भारत को स्वच्छ नहीं रखेगी तो एक दिन भारत माता क्या कर देगी? गंदगी की चादर ओढ़ लेगी। और जब गंदगी की चादर ओढ़ेगी तभी तो आ रही है बेटा भूकंप, आपने देखा? हाँ बेटा बोलो। पौधों का ज्यादा ध्यान नहीं रखते ना, तो ही कहते ना तभी वेदर इतना खराब हो जाता है और भूकंप आ जाता है। अरे क्या बात, घर गिरने लग गया क्योंकि हम पर्यावरण को संभालते नहीं है, पेड़ पौधे लगाते नहीं है, उसकी वजह उल्टा पेड़ पौधों को काटते हैं, कचरा फेंकते हैं। क्या बात है, शाबाश शाबाश। पेड़ काटेंगे तो कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे हमारे को? 20 पेड़। एक पेड़ की जगह कितने पेड़ लगाने हैं? 20। मेरा नाम है भावेश बिष्ट, मैं शिक्षा क्रांति का एक वॉलंटियर हूँ। आज आप सभी ने एक थोड़ा सा स्वच्छता कार्यक्रम करा, उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं मुख्य शिक्षिका होने के नाते यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हमारे पास प्राथमिक पाठशालाओं में बहुत छोटे बच्चे आते हैं और एक नींव के पत्थर को ही अगर हम इसके तरफ को अग्रसर करते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि ये भारत माता जो है हमारे फिर से हरी भरी बन सके, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पहल है। स्वच्छता ग्रह की ओर से उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चों के साथ, और ये इनकी एक बहुत अच्छी सोच है कि अगर हम छोटी जो आने वाली पीढ़ी है हमारी उसी को अगर इस स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे तो हमारा भारत एक दिन जरूर सुंदर और महान बनेगा। जैसे हमने ये आपके स्कूल को अडॉप्ट करा है तो ऐसे ही आपका आगे संयोग है, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस स्कूल में जो है पिछले एक साल से इसी पाठशाला में कार्यरत हूँ, 1.5 वर्ष हो चुका है मुझे,
और इन 1.5 वर्षों में शिक्षा क्रांति और स्वच्छता ग्रह के जो लोग हैं वो हमारे पास आते हैं और कई बार इन्होंने यहाँ विजिट करते हैं और बच्चों को जो है स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं, रैली भी निकालते हैं हमारे साथ और हमारे स्कूल परिसर की साफ सफाई भी करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और मेरा तो ये कहना है कि सभी प्राथमिक पाठशालाओं को अगर ये अडॉप्ट करें तो और अच्छी बात होगी। जैसे आपने देखा, आप 1 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्या आपको बच्चों में कुछ ग्राउंड लेवल का नया चेंज दिख रहा है स्वच्छता के रिगार्डिंग? स्वच्छता के रिगार्डिंग जो है, मैं इसमें एक अगर इस पाठशाला की मेरे पास पुरानी प्रतियां भी है, उसको देखे और अब को देखे तो बहुत फर्क है सर, 80% सुधार है, जिसके लिए मैं इनकी धन्यवाद दूँ और अपने पाठशाला के सभी अध्यापकों की, सभी बच्चों की, सभी अभिभावकों की, क्योंकि अगर अभिभावक हमारा साथ नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते सर। तो अभिभावक भी इस विषय में जो है बच्चों को जागरूक करते हैं हमारे साथ और अभिभावक ने हमें कभी ये नहीं कहा कि हमारे बच्चों से सफाई करवा रहे, तो वो भी इसमें पूरे, उनका भी पूरा योगदान है सर। जैसे ये तो हम करते रहते हैं, कुछ और सजेशन है आपका जो हमें ऐड करना चाहिए इस प्रोग्राम में? मेरा तो यही सुजेशन है कि जैसे आप 4 या 5 महीने में आते हैं तो आप जरूरी हो कि 1 महीने में कम से कम 2 विजिट हो या 2 महीने में विजिट हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे बार बार देखेंगे और हम बड़े उनके सामने सफाई करेंगे तो बच्चे भी जरूर करेंगे और बच्चे तन्मयता के साथ करेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल महोदया जी और हम करते हैं कि स्वच्छता को एक नेशनल मिशन बनाएंगे और इसी के साथ हम लेते हैं विदा आज आपसे। आपका धन्यवाद स्वच्छता क्रांति के मंच पर आने के। थैंक यू। शिक्षा क्रांति मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला जौहर पुंजविला, जो कि हमने पिछले 5 वर्षों से स्कूल को अडॉप्ट किया है। आज हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर चंदेल सर हैं। सर, हमारी शिक्षा क्रांति NGO है, हमारा एक विजन है, हम स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत हमने सोलन के काफ़ी 30 से 40 स्कूलों को अडॉप्ट किया है, जिसमें 8-10 प्राइमरी स्कूल भी है, पुंजविला, कोठो हैं, शेरी पाजो है। तो हम समय समय पर वहाँ जाते हैं और बच्चों को जागरूक करते हैं। हमारा उद्देश्य है, विजन है कि हम स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाएं और मिशन बतौर हम कार्य कर रहे हैं वृक्षारोपण और सफाई अभियान है। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद मिले, आपके आशीर्वचन मिले। सर, सबसे पहले तो आपको हमारी पूरी टीम की ओर से, ब्लॉक की ओर से आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे इस ब्लॉक के 8-10 स्कूल को अडॉप्ट किया है और ये भी स्वच्छता के लिए, स्वच्छता क्रांति के रूप में आप इसको ले रहे हैं, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम चाहते हैं कि और भी आप स्कूलों को अडॉप्ट करें ताकि स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। हमारे छोटे बच्चे हैं जो इनके अंदर छोटे से ही इनके गुण स्वच्छता के उत्पन्न हो। वैसे तो भारत सरकार द्वारा भी ये अभियान कई वर्षों से चलाया जा रहा है, लेकिन 2-3 साल से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और बहुत ही जागरूकता भी आई है, लेकिन अभी कमी है जो आप लोग इसको पूरा कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि और भी आप पाठशालाओं को इसमें लेंगे और उन्हें भी जागरूक करेंगे और हम आप के पूरे स्टाफ के साथ और अपने अध्यापकों के साथ आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जैसे यहाँ नौनिहाल आते हैं, छोटे बच्चे हैं, आपको क्या लगता है कि हमारा यहाँ आना, इनको जागरूक करना क्या सचमुच इफेक्टिव हो सकता है, प्रभाव उत्पादक हो सकता है समाज में? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होता। जब भी कोई नया पर्सन हमारे यहाँ आता है, कोई नई संस्था आती है, तो बच्चों में एक नई क्रिएटिविटी, नया एक जागृति आती है, नयापन आता है और उसके प्रति वो सीखने के लिए जागरूक रहते हैं और अपनी उत्सुकता भी दर्शाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का कि आप भिन्न भिन्न पाठशालाओं में जाते हैं, समय समय पर बच्चों को इसके बारे में आप ज्ञान भी देते हैं और इन्हें जागरूक करते हैं, तो इसके लिए आपकी संस्था बहुत बधाई की पात्र है। ये जो अभियान आप द्वारा चलाया जा रहा है, ये यहाँ पाठशालाओं तक ही सीमित नहीं है, ये घर, गांव और अपने जिला, ब्लॉक तक आगे तक जाता है। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आगे आने वाली पीढ़ी पर होगा और हमारे समाज पर होगा। स्वच्छता होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे और मन हमारा स्वस्थ रहेगा और हर कार्य में हमारा मन लगेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी को जागरूक करें और इससे पूरे समाज में जागरूकता फैले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ऐसे हमारी पाठशाला में आए और जहाँ भी आप 3-4 और पाठशालाओं में जाएंगे तो ज़रूर आप हमें मौका दें, हम वहाँ खुद भी जाएंगे और आपके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे जितना भी हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और व्यूवर्स, मैं आपसे भी यही आग्रह करूँगा, शिक्षा से पैदा बेशक नेता ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट हो, कैरेक्टर हम सबका शुद्ध सोने सा 24 कैरेट हो, और वो
कैरेक्टर तब बनेगा जब ऐसे ऐसे गुरुजनों का, चंदेल सर जैसे जो गुरुजन हैं, भागीरथ मैम जैसे हैं, इनके जो स्टाफ वॉलेंटियर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, जब इनका आशीर्वाद होगा तभी हम राष्ट्रीय चरित्र को बना सकते हैं, राष्ट्र में स्वच्छता के मूल्यों को राष्ट्रीय मूल्यों के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप सभी का, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।